एससी होम साइंस अप्लाइड फिजिक्स यूनिट 2 लेक्चर 15 बाय ट्विंकल। हेलो स्टूडेंट, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रेफ्रिजरेटर स्टार्ट किया था तो उसके कुछ पार्ट्स बताए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे ही पढ़ने जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर पार्ट 2। ठीक है, ये सारा आपको अपनी थ्योरी में लिखना है। तो हमारा उसमें दो हमने पहला पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ लिया था दरवाजे के बारे में। तीसरा आता है भोज्य पदार्थ को रखने की शेल्फ। तो फ्रिज में भोज्य पदार्थ को रखने के तीन प्रकार की शेल्फ होती हैं। पहला आता है फ्रीजर, ठीक है, यह है कैबिनेट में सामान्यतः सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। वह इसमें कुछ समय के लिए भोज्य पदार्थ को 32 डिग्री एफ पे, ये टेम्परेचर मैंने पहले भी बताया था फ्रिज का होता है, के नीचे से तापक्रम पर संग्रहित किया जाता है। यहाँ का तापक्रम 32 डिग्री एफ से कम होने के कारण ही यहाँ पर बर्फ जमाई जा सकती है। इसी भाग को फ्रीजर कहते हैं। यह प्राय एल्युमिनियम या कभी कभी स्टेनलेस स्टील की चादर का बना हुआ आयतकार शेल्फ होता है जो सामने की ओर खोले जा सकने वाले एक छोटे से दरवाजे से ढका रहता है। यह दरवाजा भी प्लास्टिक या किसी अन्य कुचालक पदार्थ का बना होता है। इसी भाग को हम इवेपोरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर एक धातु नली में प्रशीतक भरी रहती है और वह ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत होकर गैस में बदल जाती है। इस प्रकार इस भाग में ठंडक उत्पन्न होती है जो पूरे फ्रिज को ठंडा रखती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक पाइप होता है फ्रिज के साइड में, उसमें क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके फ्रीजर में बर्फ जमती है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद आता है बी, भोज्य पदार्थ रखने का शेल्फ। रेफ्रिजरेटर में प्राय 5 शेल्फ पका हुआ भोजन तथा फल रखने आदि के लिए होता है। यह शेल्फ एल्युमिनियम, जंग रहित स्टील या प्लास्टिक चढ़े हुए लोहे के मोटे तारों द्वारा बनी बारीक जाली के समान होते हैं। इन्हें जाली नुमा इसलिए बनाया जाता है ताकि इनके बीच से हवा आसानी से आ जा सके तथा पूरा फ्रिज का तापक्रम एक जैसा रखा जा सके। इन शेल्फ की ऊंचाई को आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सब्जी रखने के शेल्फ। फ्रिज में साधारणतः सबसे नीचे प्लास्टिक का एक डब्बे नुमा शेल्फ होता है जो कि ड्रावर के समान फ्रिज से सरकाकर बंद किया जा सकता है। इसमें सब्जियां एवं फल रखे जाते हैं, इसे क्रिस्पर कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप सब्जियां वगैरह रखते हैं। इसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर की क्रियाविधि। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को की बंद धातु नली प्रशीतक ऐसी होनी चाहिए जो साधारण ताप तथा दाब पर गैस के रूप में रहे किंतु दबो वृद्धि कम होने पर संघनित होकर द्रव रूप में आ जाए। अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड आदि पदार्थ साधारणतः इसके काम आते हैं। ठीक है, किंतु आजकल फ्रियोम जिसका कवतनक 21.7 डिग्री एफ होता है, यह ड्राई क्लोराइड फ्लोरोमीथेन का अधिक उपयोग करता है। द्रव प्रशीतक को एक छोटी सी टंकी में उच्च दाब पर रखा जाता है। ताप स्थाई के द्वारा फ्रिज के अंदर का ताप स्थिर रखा जाता है। इस स्थिर ताप पर मोटर चालू होती है और पंप बल पूर्वक कुछ द्रव को प्रसरण कुंडलियों में भेजता है। यह प्रसरण कुंडलियों ही भोजन कक्ष के लिए प्रशीतक का कार्य करती है क्योंकि प्रशीतक द्रव क्रम कम दाब पर है, अतः यह वायु व भोजन से ऊष्मा का अवशेषित कर वाष्प में बदलता है। यह वाष्प तेजी से फैलती है और प्रशीतन होता है। ताप कम होने से ताप स्थायी मोटर को बंद कर देती है। जैसे 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 गैस ऊष्मा का अवशोषण करती है उसका ताप धीरे धीरे बढ़ता है।
जब इसका ताप इतना बढ़ जाए जितने के लिए ताप स्थाई को सेट किया गया है, तब मोटर फिर चालू होती है। तब प्रसरण कुंडलियों में अधिक द्रव द्वारा गैस का संपीड़न किया जाता है, ठीक, और इसके परिक्रम स्वरूप ताप काफ़ी अधिक बढ़ता है। संपीड़न से इस गर्म गैस को द्रव कुंडलियों में भेजा जाता है और इन कुंडलियों में यह गैस वायु द्वारा ही ठंडी होती है और फिर से टंकी में भेज दिया जाता है। रेफ्रिजरेटर के क्रियाशील अंग। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने हेतु निम्न अंग कार्य करते हैं। पहला है इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर और मोटर। तो पहला था इवेपोरेटर। यह फ्रिज में सबसे ऊपर स्थित वह हिस्सा होता है जिसके चारों ओर धातुज नली लिपटी रहती है। इस नली में प्रशीतक भरा रहता है और यह प्रशीतक वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। फिर दूसरा आता है हमारा कंडेंसर। यह वह भाग है जहां प्रशीतक द्रव में परिवर्तित होता है। यह सामान्यतः रेफ्रिजरेटर के पीछे की ओर नीचे लगा होता है। यह संकरी लंबी धातु की नलियां होती है। वह जब कंप्रेसर से गर्म गैस या प्रशीतक या इस कुंडली से गुजरती है तो यह कुंडली गर्म हो जाती है। यह गर्म नली आसपास की ठंडी हवा के संपर्क में आती है और अपनी ऊष्मा उनको दे देती है। इसी कारण इस भाग को कंडेंसर कहते हैं। यह लंबी पतली नली का जाल रेफ्रिजरेटर की पिछली दीवार पर हमें दिखाई देता है। यह छूने में यह गर्म प्रतीत होता है। इसके बाद आता है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर एवेपोरेटर से पतली नली के माध्यम से जुड़ी हुई वह युक्ति होती है जो कि एवेपोरेटर से आने वाली प्रशीतक को वाष्प को खींचकर कंप्रेस करके कंडेंसर में भेजती है। इस कंप्रेसर की क्रिया को मोटर के बल्ब व बेलो थर्मोस्टेट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वास्तव में प्रशीतक की संपर्क क्रिया कंप्रेसर के द्वारा ही नियंत्रित होती है। यह मोटर कंप्रेसर को बंद कर देता है तो इवेपोरेटर से प्रशीतक की वाष्प आना रुक जाती है और इवेपोरेटर में वाष्पीकरण नहीं होता है और ठंडक उत्पन्न होनी बंद हो जाती है। इसके बाद आता है मोटर। रेफ्रिजरेटर की संपूर्ण क्रियाविधि को एक विद्युत मोटर द्वारा संचालित किया जाता है जो कि 5 डिग्री सायंकल्प 220 से 230 वोल्टेज एसी करंट पर कार्य करती है। इस मोटर की शक्ति 1/8 R पावर होती है। इस मोटर के कार्य को एक नियंत्रित स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिस पर ताप अंकित रहते हैं। इच्छित तापक्रम पर स्विच को सेट कर देने से फ्रिज के अंदर का तापक्रम एक थर्मोस्टेट की सहायता से उसी सीमा के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। यह मोटर कंप्रेसर को चलाकर संपूर्ण प्रशीतन क्रिया को नियंत्रित करती है। विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है और मोटर कार्य कसा प्रारंभ कर देती है जिससे कंप्रेसर कार्य करता है और इस तरीके से रेफ्रिजरेटर प्रारंभ हो जाता है और ठंडक उत्पन्न करता है। तो आपका यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कंप्लीट हुआ। के साथ हो आपको इसका चित्र भी बनाता है। तो ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। ये हमारी कंप्रेसर वाली नलियां हैं, ठीक है। यहाँ पे उच्च दाब रेखा कंडेंसर प्रशीतन या रेफ्रिजरेट मोटर चलित कंप्रेसर और ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब। इस ट्यूब से आपकी होगी गैस जाती है। निम्न दबाव रेखा, तो हमारी दबाव प्रेशर है इस डायरेक्शन में हमारी मूव कर रही है। ये आपका मोटर है। तो आपको इसके थ्योरी के साथ ये चित्र भी बनाना है।